वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आठवां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथः। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं भवान कि आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सब क्या है? समितिंजय है अर्थात जय है, जो जयी है किसमें? समितिंज अर्थात युद्ध में। तो मेरे सेना में आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, जो युद्ध कई युद्ध जिन्होंने कई युद्ध में जय प्राप्त किया है, विजयी हुए हैं। अश्वत्थामा और अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त के पुत्र सौमदत्ति अर्थात सोमदत्त के पुत्र जयद्रथ, जयद्रथ भी है। तो ये सब यहां पे है मेरे सेना में, इसलिए मुझे कोई भय की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है कि मैं पांडवों का सामना कर सकता हूं। फिर बताते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे शूर वीर हैं। अन्ये च बहवः, बहवः अर्थात बहुत शूर वीर हैं, जो मेरे लिए, मद अर्थे मेरे लिए, मेरे कारण मेरे लिए त्यक्त जीविताः, अपने शरीरों को त्यागने के लिए, अपने जीवन को त्यागने के लिए तत्पर हैं। त्यक्त जीविताः अर्थात जिन्होंने अपना जीवन छोड़ने का ठान लिया है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरे लिए इन लोगों ने अपने जीवन की बाजी लगाने पर ये तत्पर हैं। इन लोगों ने ये ठान लिया है, तय कर लिया है कि वो अपने जीवन की बाजी लगाएंगे। अर्थात इतने सारे महान पराक्रमी हैं, उसके अतिरिक्त भी ऐसे कई वीर हैं, कई शूर हैं, जो अगर मैं चाहूं, अगर मैं कहूं, मेरे कहने पर अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः, और वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो नाना शस्त्र प्रहरणाः, जो जिनके पास बहुत अधिक शस्त्र हैं, जिनके पास बहुत अधिक और बहुत ही तरह तरह के विभिन्न शस्त्र हैं। तो ये ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं है जो मैं बताऊंगा तो या मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो शस्त्र में कुशलता जिनकी है, अर्थात वो शस्त्र चला सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो शस्त्र चलाने में कौशल है, नाना और विभिन्न प्रकार के शस्त्र, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदः, और सब हर कोई इसमें युद्ध में विशारद हैं, अर्थात युद्ध करने की कुशलता रखते हैं, युद्ध करने की कला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे बहुत अधिक बहवः शूराः पराक्रमी हैं।
न केवल आप हैं कृपाचार्य और भीष्म और कर्ण विकर्ण इत्यादि जो हैं महारथी हैं, परंतु और भी ऐसे अधिक हैं जो पराक्रमी हैं, जो विशारद हैं युद्ध की कला में, और मेरे लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन कह रहा है कि मुझे कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। फिर कहते हैं, अपर्याप्तम अपर्याप्तम तदस्माकम तदस्माकम बलम बलम भीष्माभिरक्षितम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम पर्याप्तम तु इदमेतेषां इदमेतेषां बलम बलम भीमाभिरक्षितम। भीमाभिरक्षितम। जब किसी व्यक्ति को भय होता है तो वो क्या करता है, जिस जिस कारण उसको भय हो रहा है, जिस विषय से वो डर रहा है, उसके बारे में सोचता है, और वो ये कहता है कि नहीं, ऐसे डरने के लिए कुछ नहीं है, डरने वाली बात यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पानी से डरता है, मान तो वो पानी के सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है, अगर पानी से न डरे तो वो एकदम छलांग मार देगा, लेकिन डरता है इसलिए वो जाता है, देखता है थोड़ा सा पाँव, उसमें एक पाँव तट पे रखा और एक पाँव पानी में थोड़ा सा डाल के देखा कि कितना गहरा है, देखा बहुत ज्यादा गहरा है। फिर वो पानी में अगर कोई है तो उससे पूछता है, अच्छा कैसा है, गहरा है, तो बोलता है हाँ गहरा है, या देखता है कि अच्छा यहाँ फिसलन है, या किसी और से पूछता है कि अच्छा वो वाला जो वहां जो पानी है, वहां जो तालाब है, झील है, नदी है, तो उसमें क्या फिसलन है, तो वहां पे मैं तैर सकता हूँ, तो डरने लग जाता है। और पहले धीरे धीरे वो नीचे उतरता है, फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर थोड़ा तैरता है, उसमें डर रहता है, और फिर वो सोचता है नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनमें भी अगर जो डरते हैं, जिनमें डर होता है, भय होता है, तो वो ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा सा पहले चढ़ लिए, फिर उसके बाद देखा कि अभी आगे चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा, फिर थोड़ा सोच लिया, फिर कहा कि नहीं हाँ अभी चढ़ सकता हूँ, फिर दूसरों से पूछा अच्छा मैं चढ़ लूंगा, कितना आपको लगता है। या जो ऊंचाई से डरते हैं, थोड़ा सा सीढ़ी से थोड़ा ऊपर चढ़ लिया उन्होंने, फिर नीचे देखते हैं कि कितना चढ़ा, फिर कहते हैं कि नहीं चढ़ लूंगा। तो जिसको डर रहता है वही ये कहता है कि नहीं ठीक है हो जाएगा, और जिसको डर बिल्कुल नहीं है वो कहता नहीं है, वो करता है। तो यहाँ दुर्योधन को डर है, किस बात का डर, कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, मैं अनीति का साथ दे रहा हूँ, और इसीलिए जहाँ अधर्म है वहां पे जय नहीं होता, वहां पे पराजय होता है। तो इस बात का डर दुर्योधन के मन में है, भले ही उसकी सेना पांडवों की सेना से बड़ी है, फिर भी उसके मन में यह डर इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि वो नीति के पक्ष में नहीं है। इसलिए वो बार बार दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य को बताने के माध्यम से वो अपने आप को बता रहा है, अपने मन को ही वो बता रहा है, और उसको सांत्वना दे रहा है कि नहीं तुम डरो मत, तुम ये युद्ध जीत लोगे, यह जो युद्ध है इसको आप जीत लोगे। इसी चिंता में वो अभी बता रहा है, क्या बता रहा है, अपर्याप्तम। पर्याप्तम अर्थात जिसकी कोई सीमा हो, पर्याप्त एक कहते हैं कि हिंदी में भी कहते हैं कि ये पर्याप्त है, अर्थात मुझे काफी है, ये इससे अधिक मुझे नहीं कुछ चाहिए, और अपर्याप्त अर्थात ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। यहां पर अर्थ होगा जिसकी सीमा हो। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम, हमारी जो हमारा जो से बल है, हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये बहुत बड़ी है, हमारी जो सेना है वो कैसी है, बहुत बड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारा जो बल है वो, उसके सेनापति कौन है, भीष्म। भीष्म जो है इसके सेनापति हैं, और भीष्म इसकी रक्षा कर रहे हैं,
और हमारी सेना इसका कोई इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु ये जो लोग हैं एतेषां बलम् अर्थात जो पांडव हैं उनकी जो सेना है वो पर्याप्तम वो सीमित है, हमारे सेना की तुलना में उनकी सेना सीमित है, छोटी है। और इसकी रक्षा कौन कर रहा है? उसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। भीम कर रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभी दुर्योधन जो राजा है वो आदेश दे रहा है। कैसा आदेश? वो ये कहना चाहता है, यहां पे एक गूढ़ तात्पर्य है, वो ये है कि आप पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं, पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं अपेक्षा कर सकता कि आप उनको मारेंगे। द्रोणाचार्य से कह रहे हैं दुर्योधन कि मैं ये तो नहीं आशा कर सकता कि आप उनको मारेंगे, तो आप नहीं मारेंगे क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, परंतु क्योंकि आप कौरवों की सेना से लड़ रहे हैं, मेरी सेना से लड़ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता। अयनेषु अर्थात विभाग, विभाग सेना में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे घुड़सवार जो होते हैं, हाथी पर जो सवार होते हैं, जो तलवार चलाने वाले होते हैं, भाल चलाने वाले होते हैं, धनुषधारी जो होते हैं, तो इतने सारे जो विभाग हुए इसमें सर्वेषु अयनेषु जितने भी प्रकार के विभाग हैं इसमें अवस्थिताः भवन्तः सर्व एव भवन्तः आप लोग अपनी अपनी जगह में रहें। हर एक को विभाग सबको बता दिया गया है कि आपको यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा होना है, जैसे आर्मी में होता है ना आर्टिलरी इन्फेंट्री वायरलेस ऐसे अलग अलग विभाग होते हैं, तो आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, तो आप वो करें, आप अपने विभाग से लड़ें। और भीष्मम एव अभिरक्षन्तु और आप भीष्म की रक्षा करें या भीष्म जैसा कह रहे हैं वैसा करें। यहां पे कटाक्ष है दुर्योधन का द्रोणाचार्य के प्रति कि आप अपने आप तो कुछ नहीं करने वाले, इसलिए आप और कुछ मत कीजिए, आप केवल भीष्म पितामह की जो बात है उनके उनके जो आदेश है उसका पालन कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे, हम ये युद्ध जीत जाएंगे। तस्य तस्य संजनयन हर्षम संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः कुरुवृद्धः पितामह पितामह सिंहनादम सिंहनादम विनद्योच्चैः विनद्योच्चैः शंखम शंखम दद्मौ दद्मौ प्रतापवान 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 अर्थात जो प्रतापशाली पराक्रमी शक्तिशाली कुरुवृद्ध है और जो कुरुवंश में सबसे बूढ़े वृद्ध अर्थात बूढ़े सबसे अधिक जिनकी आयु हो कुरुवृद्ध है। कौन? पितामह है। कौन थे पितामह? भीष्म पितामह। पितामह है तस्य हर्षम। तो अभी भीष्म पितामह ने क्या किया? तस्य अर्थात दुर्योधन के हर्षम संजनयन
सम जनयन, जनयन मतलब उत्पन्न करना, सम जनयन मतलब अच्छी तरह से उत्पन्न करना। तो भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन डर रहे हैं, तो उसमें एक उत्साह लाने के लिए, जोश पैदा करने के लिए उन्होंने देखा कि ये भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या सब बात कर रहा है, तो उन्होंने जैसे ही ये समझा कि दुर्योधन डर रहा है, भयभीत हो गया है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपना शंख उठाया उसके मन में जोश पैदा करने के लिए। अब द्रोणाचार्य से दुर्योधन बात कर रहे हैं और द्रोणाचार्य उदासीन भाव से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सुनकर कुछ गुस्सा हो गए या कुछ हो गए, शांत होकर सुन रहे हैं। किसकी बातें? दुर्योधन की बातें। और ये पूरी सेना भी देख रही है। तो क्या होता है कि जब सेना में किसी के बीच में खलबली मच जाती है, उनके बीच में तालमेल नहीं रहता या उनके बीच में वाद विवाद होता है, तो जो बाकी सैनिक है उन पर भी उसका असर, उसका प्रभाव पड़ता है। और एक सामग्रिक तौर पर पूरे सेना पर इसका असर और प्रभाव पड़ता है। तो ये भीष्म पितामह जो बहुत ही बुद्धिशाली थे, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने ये बात देखा। और जैसे उन्होंने ये बात देखा तो वो उन्होंने तुरंत क्या किया, सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए, सेना में जोश पैदा करने के लिए उन्होंने अपना शंख उठाया और विनद्य उन्होंने पहले एक सिंहनादम, मतलब एक सिंह के नाद की भांति, सिंह मतलब लायन, देखा है सिंह, देखा है चिड़ियाघर में भी नहीं देखा सिंह, एक होता है जो लेपर्ड तेंदुआ और दूसरा होता है शेर, तो यहाँ शेर भी नहीं देखा आप लोगों, और सिंह, तो सिंह जंगल का राजा होता है, सिंह के नाद के भांति उन्होंने, कहते हैं ना जब लोग कुछ बड़ा काम करने वाले होते हैं, लड़ने वाले होते हैं या फुटबॉल खेलते हैं ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसे हिप हिप हुर्रे ऐसा कुछ बोलते हैं ना जिससे उत्साह हो, तो उसी प्रकार उन्होंने कुछ शब्द किया, किसने, भीष्म पितामह ने। और फिर उन्होंने अपना शंख उठाया और दद्मौ, शंख को बजाया, युद्ध के पहले शंख बजाए जाते, तो शंख उन्होंने बजाया। इसका उद्देश्य यही था कि अभी बहुत बातें हो गई, अभी जोश बढ़ाओ और युद्ध करो। ततः शंकाश्च शंकाश्च धैर्यश्च धैर्यश्च पनवाणक पनवाणक गोमुखाः गोमुखाः सहसैव सहसैव अभ्यन्यन्त अभ्यन्यन्त स शब्दः शब्दः तुमुलो तुमुलो अभवत् अभवत्। ततः उसके बाद, अर्थात भीष्म ने जब शंख बजाया उसके तुरंत बाद शंकाः, अलग अलग शंख, जिसके पास जो भी शंख थे वो लोगों ने बजाना शुरू किया। भेरीयश्च और भेरी, भेरी मतलब भेरी, हिंदी में भी कहते हैं भेरी, वो एक ड्रम जैसा होता है उसको बजाते हैं, भेरी वो बजाना शुरू किया। फिर पनवानक गोमुखाः और अलग अलग तरीके के, जैसे गोमुखा जो गाय होती है उसका जो सिंह होता है उससे वो एक बाजा जैसा बनाते हैं, तो वो और पनवानक ऐसे और भी अलग तरीके के बजाने के वाद्य यंत्र उन्होंने बजाना शुरू किया। देखा होगा ना महाभारत वगैरह में, पुराने जमाने में ऐसे बजाते हैं, कोई ये बजाता है कोई और बजाता है युद्ध के समय। सहसा एव अभ्यन्यन्त और एकदम अचानक, अचानक ही, अब ये लोग बात कर रहे थे, जैसे ही भीष्म पितामह ने आवाज किया और शंख बजाया तुरंत बाकी सब ने वो शंख बजाना शुरू किया। ऐसे ही होता है, जैसे एक कोई कहता है हिपे पूरे तो सब चिल्लाते। और उसके बाद क्या हुआ, शब्द है तुमुल है अभवत और
बहुत अधिक शब्द, बहुत अधिक उससे शब्द उत्पन्न हुआ। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।